आपको क्या लगता है इस बॉल पे क्या होगा? इस बॉल पे छक्का। छक्का है और देखते हैं बॉलर भागते हुए आए और गेंद सीमा रेखा पार कर गई। खुदा के वास्ते इधर आ जाओ, ये मामला बढ़ जाएगा फिर तुम आओगे। ले फिर आ गए, क्या लगता था वापस नहीं आएंगे, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, अब आ गया हूँ वापस। बाबर और आमिर के चर्चे बड़े चल रहे हैं, आमिर को हर जगह पे ट्रोल किया जा रहा है कि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि किसकी गलती है? मैं कहूँगा कि बाबर की गलती है, आमिर की नहीं है। आमिर एक इंटरनेशनल बॉलर है और एक टाइम से क्रिकेट खेल रहा है वो। भाई क्रिकेट लवर हो, क्रिकेट खेल रहे हो। ओवर करा के आया तेरा भाई? करा के रहा, देख रहा था मैं। सही है, माशाल्लाह से पेस है आमिर वाला। आमिर वाला नहीं है भाई, फिक्सरों वाला पेस नहीं है। आमिर ने बाबर के साथ क्या किया है? बाबर को बॉल थ्रो करके मारी है उसने। मारी है, लगी नहीं है उसके, लेकिन लगी नहीं, लगी नहीं है। क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पर प्लेयर ही बहुत बड़ा है, ये फिक्सर है साला, इसको फिर हमने कौन? बाबर आजम? नहीं नहीं, ये आमिर वगैरह। बाबर भी हमारे लिए एक क्लास का बैट्समैन है, ऐसी बात नहीं है। और आमिर भी हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन बॉलर है, ये कि उसको टीम में भी आना चाहिए पाकिस्तानी दोबारा। बाबर को क्या बोल रहा है? टेलेंड है। इसके काम देख रहा है, बॉल तो करा ही जा नहीं रही, बॉल से जवाब देना। उसने बल्ले से कैसा जवाब दिया? नहीं बाबर ने, आपको बाबर की। बाबर ने बड़ी गंदी मारी है ड्राइव। ड्राइव के अलावा क्लास देखी, कामनेस देखी, आगे गालियां दे रहा था, क्या नाम है, मुंह पे चढ़ रहा था, बाबर ने उसको इग्नोर कराया। सपोर्ट किसको कर रहे हो? सपोर्ट तो आमिर को कर रहे हैं। आमिर को? भाई कल का मैच देखा है आपने? कल का मैच मैंने सुना था, देखा नहीं है। सुना है आपने? किस कौन सी टीम? तुमने देखा है? बहुत दुख हुआ यार। अच्छा, हारिस को क्या कहा था आमिर ने? बोला था उसको, अबे तू खुद काम कर रहा है भाई। लेकिन आमिर पे बड़ी तनकीद हो रही है फेसबुक पे, आमिर के पीछे सब पड़े हुए। सर क्यों पड़े हुए आप बताएं? आमिर ने बाबर के साथ बदतमीजी करी। सर हमें तो नहीं लगा बदतमीजी। जेल भी जा चुका है मैंने सुना है, देखा नहीं है मैंने, मैंने सुना आमिर जेल भी जा चुका है, ये हकीकत है? कि जो भी फिक्सिंग वगैरह हुई दबा दिया, खैर जो भी है, लेकिन अपना यार उसको प्यार देना चाहिए। क्योंकि यार देखो गलतियां सबसे होती हैं। सबसे और एक्सेप्ट की ना उसने, एक्सेप्ट करी तो बस यही है मेरा मैसेज कि भाई उसको सपोर्ट किया जाए। यार ये बाबर आमिर को छोड़ो, मुल्क के हालात देखो क्या हो गए। खुद का दोस्त 3 साल से राशिद बेचारा बाहर है और उसकी बेगम यहाँ पे किसी और से सेट हो गई है, बेचारी प्रेग्नेंट हो गई है। राशिद भाई कौन से मुल्क में? दुबई में। यार मैंने नहीं देखा आमिर को कि आमिर सजा पूरी करके आया, लेकिन मैंने ये देखा है कि आमिर गया है जेल। लेकिन आमिर ने माफी मांग ली है यार, उसको सजा पूरी हो गई है। हाँ ये तो, ये बात तो है आमिर। तो अब क्या आमिर खेल नहीं रहा है? अब ये बताएं आमिर ये खेल रहा है? आप किसका साथ दे रहे हो, आमिर या बाबर? आमिर को करेंगे। अच्छा कराची वाले आमिर को क्यों चाहते हैं इतना? आमिर भी है बाबर भी है, दोनों लव है हमारे लिए, दोनों लव है, दोनों पाकिस्तानी है, बस दोनों को सपोर्ट करना है। तो किंग है यार, बाबर भी बैट्समैन है यार, बच्चा है, बाबर का बाप है आमिर, आमिर बाबर का बाप है, बाबर का बाप है, हकीकत। ये आपने सुना है? कोहली? ये मैंने सुना नहीं है, मैंने पढ़ा है। वीडियो सिर्फ आमिर भाई की हौसला अफजाई के लिए। जी जी बिल्कुल, आमिर भाई वी लव यू। कराची के लड़के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह, कराची जिंदाबाद। ये आपने सुना है? ये मैंने देखा था अभी, करते हुए यूं करते हुए देखा था मैंने अभी, इन्हीं को ही देखा था। जी मैं अभी उनसे बात करने जा रहा हूँ। सही है। हाँ राशिद भाई 3 साल से दुबई में, और बेगम उनकी यहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई। राशिद भाई 3 साल में यहाँ पे आई नहीं? नहीं यार, हम तो खुद बड़े परेशान है यार, उसने हमें जिम्मेदारी दी थी भाभी का ख्याल रखो। अगर बाबर और आमिर इन दोनों में से कोई एक बंदा चूज करना पड़े, किसको चूसेंगे आप? आमिर को, आमिर अपनी जान है, आमिर को करेंगे, लाना चाहिए, वापसी आना चाहिए, वापसी आना चाहिए। और एक बाबर आजम भी है टीम में, सुना होगा? जी 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 जी, जो कायदे आजम के जानने वाले। जी 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 सही है। बाबर आजम और आमिर इन दोनों की लग गई है आपस में टसल। सही लग रही है हमारे लिहाज से, सही लग रही है, वरना मैच ही नहीं देखेंगे। देखोगे मैच? नहीं देखेंगे ना। मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है ना। आमिर को मेरी तरफ से ये कि आमिर को आप लोग माफ कर दें, और ये आमिर को दोबारा लेकर आए हमारी कराची किंग्स से, कराची किंग में दोबारा। कराची किंग्स से पहले से खेल रहा है यार वो, इसके अंदर अकड़ है, बाबर के अंदर है अकड़। विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है उससे, वो अभी सिर्फ बच्चा है अभी उसके आगे। विराट कोहली मैं खुद फैन हूँ उसका, 83 सेंचुरीज मार चुका है वो, और अभी मुश्किल से इसकी 15-16 हुई है, तो इतना अकड़ चढ़ा रहे हैं लोग इसको। नहीं देखो लोग कर रहे हैं ना यार, बाबर थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं इसको, ये एक प्लेयर के लिए एक पॉजिटिव वे नहीं होता। ये बेगम प्रेग्नेंट हो गई, तुम बाहर वहाँ पे अयाशियाँ कर रहे हो, यहाँ मुंह मार रही है, यहाँ पे आओ भाई, देखो ये सारे मामला हम पे, कल को आगे इल्जाम नहीं लगा देना। लेकिन ये भी है कि हमारे पाकिस्तान में इस जैसा प्लेयर आज तक नहीं आया है। इस जैसा प्लेयर जो बात है नहीं आया, लेकिन फिर भी सर आप विराट और बाबर का मैचअप नहीं करा सकते बिल्कुल भी। विराट बहुत टाइम से खेलता आ रहा है, बाबर अभी आया, और कोई दे रहा है बाबर का साथ, कोई दे रहा है आमिर का साथ, आप किसका साथ देंगे? आमिर का साथ, आमिर का साथ। जी जी
नीचे वजह बॉल आ रही है, या आमिर भी अगर कल चल जाता तो मैच कुछ और होता। लेकिन आमिर चलना भी तो जब जरूरी है, जब बॉलर को बॉलर सपोर्ट करता है। मैं बैटिंग कर रहा था, मुझे कोई सपोर्ट कर रहा था, मैं बैटिंग कर रहा था ना, पीछे से हम लोग जाहिर सी बात है। आपके अलावा मेरे साथ जो एंड पे खड़ा हुआ है सेकंड एंड पे, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है तो मेरी इनिंग चल रही है। विराट ने कहा भी है कि तुम आज यहां पर हो, मेरा 10 साल से राज यहीं। हां जी, ये बात उसने क्लियर कही है। तो आप और बाबर और आमिर में से किसका साथ दे रहे हो? आमिर के साथ। अच्छा, आमिर का कल बॉल जो है वो सीम नजर नहीं आया, ना अंदर हुआ ना बाहर हुआ, क्या लग रहा है आमिर खत्म हो गया है या वापस कमबैक करेगा? नहीं नहीं, कमबैक करेगा इंशाल्लाह, मैं तो आमिर का फैन हूँ भाई, क्यों नहीं करेगा। आमिर और बाबर का टाकरा देखने के लिए तो कल ऑफिस के सबको छोड़ छाड़ कर मैच देखा है बैठकर। जो लोग हमारे पाकिस्तानी ऐसे वक्त में छोड़ के मुल्क को जा रहे हैं बाहर मुल्क, उनको ये मैसेज देना चाहते हैं भाई? भाई आपको ये कहूँगा, यहाँ पे रहो, दाल रोटी खाओ, चटनी खाओ, मगर बाहर नहीं जाओ अभी, सही है? शादी करके बिल्कुल नहीं जाओ, क्योंकि आप लोग जाते हो फैमिली सपोर्ट करने के लिए और आपकी बेगम यहाँ पे किसी और से सेट हो जाती है भाई, फिर आप लोग आके अपने दोस्तों पे इल्ज़ाम देते हो। अच्छा, दिखने में कौन ऐसा लगता है कि कौन अपना रिश्तेदार है? रिश्तेदार तो कोई भी नहीं है मेरा दोनों में से, लेकिन आमिर कराची का लगता है। आमिर तो कराची का लगता है क्योंकि ख़त्म है। ख़त्म ख़त्म बिल्कुल। हाँ, तो मावे गुटके वाला भी लगता हूँ। क्या लग रहा है पीएसएल के फाइनल की दो टीमें कौन सी हैं? मुल्तान सुल्तान और कराची किंग। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग। इसकी काट देना भाई, खुदा का वास्ता इसका काट देना और मेरा रख कर लेना। हाँ ना, दोनों ही अपने पाकिस्तान के प्लेयर हैं भाई, दोनों ही अच्छा खेलते हैं, एक बॉलर अच्छा है हमारा, एक बैट्समैन अच्छा है, इन दोनों को हमारे को प्यार देना चाहिए। दोनों को लाइक करें, दोनों को लाइक सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। बाबर और आमिर को, बाबर और आमिर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रिजवान और शाहीन की भी लड़ाई होनी चाहिए। होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। मजा नहीं आएगा ना टीवी के आगे बैठ के देखेगा, रिजवान मार रहा है, शाहीन कुछ कर ही नहीं रहा, तो मजा कैसे आएगा? लेकिन होगा क्या, शाहीन मारेगा बोल्ड, रिजवान करेगा फिर दुआ। हाँ नहीं, उस वक्त मैं बाल कटवाने चले गया ना पहला बार देख के। तुमने कहा तुमने बाल नहीं कटवाए, कटवा के चले गया था ना पहला बार देख के। अच्छा, बाल कट गए? कट गए बाल मेरे, ऐसे कटते हैं बस, लेकिन पता नहीं चल रहे। आना तो नायका भी तो घर चलाना है ना, छोटे घर वालों में तो दो महीने बाद नंबर आएगा। ये आपने देखा है? ये मैंने सुना है। कुछ नहीं किया है यार, अपन को चाय की नीड हो गई, अभी चाय भाई पिए जाके बस कर इंटरव्यू बंद कर। चाय की नीड हो गई? हाँ, चाय की नीड, चाय पीते हैं ना, मतलब नीड, जरूरत और चाय। इंग्लिश, इंग्लिश हाँ, तो पढ़े लिखे हैं भाई, जाहिल समझ रहे क्या?